तो वही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मध्य प्रदेश में राजगढ़, नीमच, सीहोर में आज चुनावी रैलियां करने वाले हैं। तो अगले फेजेस में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव होने हैं, उन्हीं सियासी समीकरणों को साधने के लिए आज राजगढ़, नीमच, सीहोर में चुनावी रैली पीएम मोदी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के तमाम ये जगह है जहां अब अगले चुनावों में, अगले चरणों में चुनाव होने हैं, उन सियासी समीकरणों को साधने के लिए, वोटर्स को साधने के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मध्य प्रदेश के राजगढ़, नीमच, सीहोर में नजर आएंगे। यहां पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। राजगढ़, नीमच, सीहोर में आज अमित शाह रैलियां करने वाले हैं, चुनावी रैली करेंगे। अगले चरण में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव होने हैं, उनको देखते हुए आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मध्य प्रदेश में नजर आने वाले हैं। चुनावी मौसम के बीच आज ललित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। ललित, आज अमित शाह मध्य प्रदेश में नजर आने वाले हैं, अगले चरण में मध्य प्रदेश में जो है चुनाव होने वाले हैं, लेकिन क्या लगता है विधानसभा के जो नतीजे हैं, क्या लोकसभा में वही नतीजे नजर आने वाले हैं? देखिए, अमित शाह आज लगातार जो है मध्य प्रदेश में तीन रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं, एक के बाद एक। और कल अमित शाह दिल्ली में थे और सपना, ये जो आपने कहा कि मध्य प्रदेश में क्योंकि विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, तो क्या उसके बाद बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि लोकसभा में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? तो अगर पार्टी के दृष्टिकोण की बात करें तो पार्टी ये मानकर चल रही है कि विधानसभा का जो एक तरह से उसकी हार थी, उसको उसने संगठन स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो है पूरा कर लिया है। और दूसरी बात ये भी है कि एक और जब राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ हो, उस दौर में जब मसूद अजहर पर बैन लग जाए, तो उसके बाद मोदी सरकार के लिए एक और उपलब्धि के तौर पर ये जुड़ गई है। और अब कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आने वाला है पूरे चुनाव में। और देखना ये होगा कि मोदी सरकार, जो कि कल से जब जैसे ही ये खबरें निकल कर सामने आई, उसी के बाद से प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर खुद प्रधानमंत्री हो, सभी लोगों ने इस विषय को लेकर अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। तो अब कितना ये मामला और आगे जाएगा, ये थोड़ा देखना होगा। बिल्कुल ललित, देखना होगा कौन से मुद्दे आज अध्यक्ष अमित शाह उठाने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक किसानों की आत्महत्या का मामला मध्य प्रदेश से नजर आया था, वही नतीजा था जो विधानसभा में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी और कांग्रेस सत्ता में अब बैठी हुई है। और वहीं आज पीएम मोदी आज किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रवाद भले ही एक मुद्दा हो बीजेपी का इन चुनावों में, लेकिन किसानों की समस्या मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी है, ये किसी से छुपी नहीं है। जी देखिए, किसानों की समस्या बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी है, लेकिन जिस तरह से खुद किसानों के जहां पर मंदसौर जैसे इलाकों में जहां पर की किसानों की हत्या हुई थी, जिनको लेकर राजनीति हुई थी बड़े पैमाने पर, कांग्रेस ने बड़ा एजेंडा बनाया था, उस एजेंडे को अगर देखा जाए तो कई ऐसी सीटें रही मध्य प्रदेश में जहां पर की भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर जीत गई। तो कहीं ना कहीं पार्टी के पास ये कहने के लिए एक बहुत बड़ी लाइन है कि आखिर अगर किसानों की नाराजगी होती तो कहीं ना कहीं पार्टी को उन सीटों पर हार का सामना करना पड़ता। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसानों का जो मामला है उससे पार्टी इस एंगल से पूरा करने की कोशिश कर रही है या उस पर इस तरह का जो डिफेंस दे रही है कि किसानों की आत्महत्या के मामले में उसको कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं है। हालांकि उसने किसानों की फसलों के दाम बढ़ाए हैं और इसके अलावा दूसरे भी कई कदम उठाए हैं। अब लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर
जो किसानों की आय को डेढ़ गुना करने की बात पार्टी ने कही थी वो कब पूरी होगी, उस मामले पर कहीं ना कहीं पार्टी जो है कमजोर नजर आ रही है और उसका जवाब पार्टी दे रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार इसी मामले पर उसे घेर रही है। जी शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मध्य प्रदेश में नजर आएंगे और तमाम जगह है जहां वो आज चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।